आज हम बनाएंगे गुड़हल का फूल। ठीक है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे इस तरीके से। बहुत लाइट पेंसिल चलानी है उसमें आपको, इस तरीके से आप एक ये देखिए फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से सर्कल बनाया और इसके बीच में हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे यहाँ। ठीक है, और इसको फिर आप इसकी लीव्स बनानी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे, और यहाँ से ये, इन दोनों के बीच में हमें गैप छोड़ना है ऐसे। बस सर्कल से हमें ये मिलानी है लाइनें। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप और कुछ नहीं करोगे अभी। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मिला दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे लाइन को जो हमने सर्कल के अंदर खींची है। अब देखिए इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करना है सभी में। ये देखिए ऐसे हो गया है। ठीक है, और इसमें आप नीचे इस तरीके से एक दो लाइन खींचोगे और इसको ऐसे की पत्ती बनाएंगे। अब देखिए ये लाइन आपको डार्क खींचनी है और इसके साथ में आप यहाँ पर ये लाइट खींचोगे लाइन। ठीक है, और उसके ऊपर से आप इसकी पत्ती बनानी स्टार्ट करोगे इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर आप एक ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। ये देखिए, एक लाइन हमने ऐसे खींची है और इसके पास में ही हम एक लाइन और खींचेंगे। इसको आगे ऐसे बारीक करते चले जाएंगे। ठीक है, और बीच में जो हमारी ये लाइन आ रही है इसको इरेज कर लेंगे। देखिए इसको, और यहां पर इस तरीके से ऐसे आप सर्कल बनाओगे। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे मिला दोगे इन सर्कल्स को। ठीक है, और इसी तरीके से ऐसे साइड में भी इसमें ऐसे करोगे और इस साइड भी ऐसे ही। ठीक है, अभी देखिए ये बनके तैयार है और जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है ये जो हमने सर्कल बनाया था उसको इरेज कर लेंगे। ये देखिए इसमें ना हमें एक लाइन बनानी है इस तरीके से, जैसे गुड़हल के फूल में होती हैं लाइनें, इस तरीके से लाइनें होती हैं। बहुत लाइट खींचनी है आपको, ये डार्क लाइनें नहीं बनाओगे यहां पर क्योंकि आपको कलर करना है इसमें।
अब इसमें कलर करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले रेड कलर लोगे आप, देखिए इसको ऐसे करने के बाद आप इसमें पानी का यूज करोगे। जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। जैसे कि हमने इसमें किया दोनों में, ऐसे ही हमें ये वाली पत्तियां भी करनी है। इसमें आपको ये वाली लाइन बचा के तब कलर करना है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन ये बचा हुआ है इसमें भी। अब इसको थोड़ा सा सूखने देंगे, उसके बाद इसमें दोबारा से कलर करना है। अब हम नीचे ग्रीन कलर कर लेते हैं। डार्क ग्रीन में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करके और यहाँ पर करेंगे।
नीचे ऐसे इसमें ग्रीन कलर करेंगे। ये देखिए इसको बहुत सफाई से करना है। अब हम इसकी पत्ती में ग्रीन कलर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइन ये जो है इसमें डार्क कलर करना है। इस तरीके से और ऐसे ही यहां पर इस तरीके से सबसे पहले ऐसे कलर करोगे पूरे में। उसमें पानी का यूज करोगे आप इस तरीके से। इधर आपको इस तरीके से ही ब्रश चलाना है जैसे हमारी पत्ती बनी हुई है उसी शेप में। ये देखिए यहाँ डार्क कलर आ रहा है और यहाँ थोड़ा लाइट है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर लेके हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे इसको। देखिए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। पहले कॉर्नर करेंगे इनके। इधर भी इसी तरीके से पानी के साथ में इसको फैला लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर लगाएंगे यहाँ इस तरीके से, यहाँ भी और थोड़ा यहाँ पर, और इसको पानी से सेट कर लेंगे। ये देखिए इसमें हमें थोड़ा सा येलो कलर भी लगाना है। और इसको भी थोड़ा सा ब्रश के साथ में इस तरीके से सेट कर देंगे जिससे हमारे ब्रश ना दिखाई दें अलग अलग। ये देखिए अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए जैसे कि हमने ये लाइनें बनाई थी बीच में, अब हमारा फ्लावर जो है वो सूख गया है, तो इन लाइनों पे हमें बारीक ब्रश से और इनके ऊपर लाइनें करनी है इस तरीके से। बहुत ही सफाई से करनी है आपको ये चीज, क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी फैल जाता है। देखिए बाकी सब में भी इसी तरीके से। अब देखिए रेड कलर हमें यहाँ पर करना है, ये इसमें डार्क कलर करना है।
दीजिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपको डार्क कलर करना है यहाँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ आपने डार्क कलर किया। और ये जो हमने लाइन की थी इन पे भी हमें, इसको भी हमें रेड कलर ही करना है, ये देखिए। और यहाँ पर ये भी इस तरीके से आप इनके ऊपर भी ऐसे चलाओगे ब्रश को, ठीक है। और ये हमें येलो करनी है क्योंकि नीचे वाली जो होती हैं वो येलो होती हैं और ऊपर रेड होती हैं, तो इनमें येलो कलर कर देंगे यहाँ पर ऐसे। सब में, ठीक है। अब देखिए हमारी पत्ती जो है वो सूख गई है, इसमें भी हमें एक बार डार्क कलर करना है। ये देखिए जो बीच में हमने लाइन की थी इसको हमें थोड़ा सा डार्क करना है। और हमने जो ये वाली लाइनें की थी इनको भी इस तरीके से डार्क करना है। और इसको आपको इसी तरीके से बनाना है और सफाई से बनाएंगे, ओके।